जय भरत दोस्तों, सरकार ट्रेडर्स चैनल में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। सरकार ट्रेडर्स चैनल में हर रोज की तरह 100% एक्यूरेसी के साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी का टेक्निकल चार्ट के साथ आपके सामने डिस्कस करने के लिए मैं कौशिक सरकार हाजिर हूँ। तो दोस्त, यहाँ पे हम जानते हैं, सोचते हैं, समझते हैं कि निफ्टी का क्या लेवल नेक्स्ट दिन के लिए इम्पोर्टेंट है, और वो भी टेक्निकल चार्ट आपके सामने प्रोवाइड करके। ठीक है दोस्त, हमारा इस चैनल के माध्यम से लाइव मार्केट में लाइव कॉल आपको दिया जाता है, दिखाया जाता है कहाँ पे हम बाइंग करें, क्या हमारा टारगेट हो सकता है। तो इस तरह का कॉल आप अगर खुद से सीखना चाहते हैं तो हमारा टेक्निकल एनालिसिस क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप अगर हमारा टेलीग्राम चैनल पे अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उसके जरिए जुड़ सकते हैं। अगर लिंक से कोई दिक्कत आ रहा है तो मेरा इस नंबर पे व्हाट्सअप है, इस नंबर पे टेलीग्राम है, टेलीग्राम पे आकर लिखिए जो मैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहता हूँ। फ्री टेलीग्राम चैनल है, फ्री कॉल दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, आज एक दो कॉल हमारा बहुत ही खराब परफॉर्मेंस किया है, इसके लिए सॉरी। और कल मैं सिर्फ आपको दो कॉल दूंगा और दो कॉल 100% टारगेट दिलाने का कोशिश करूंगा। देखिए दोस्त, दिलाने का कोशिश करूंगा ये बात होता है, मैं दिला सकता नहीं, मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं आपको कॉल का टारगेट दिला सकता हूं, लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूं जो मेरा एनालिसिस है, एनालिसिस के माध्यम से आपको कॉल दे सकता हूं। चलिए दोस्त, ज्यादा बात ना करते हुए सीधा चलते हैं हमारे टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर और समझते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्या लेवल कल के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ये हमारा टेक्निकल एनालिसिस प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म को आपके सामने शेयर करता हुआ वीडियो बनाता हूं, ताकि काफी लोगों को दिक्कत होता है मेरा इस प्लेटफॉर्म शेयर करने से, जो बड़े बड़े कोर्सेस फीस लेके कोर्स कराते हैं आपको। मैं यहाँ पे बिल्कुल ये कहता हूँ कि आप अगर सीख सकते हैं तो बिल्कुल इस चैनल पे बने रहिए, आप बिंदास फ्री में सीखिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है इसमें। लेकिन उनको तकलीफ होता है जिन लोग बड़े बड़े कोर्स फीस लेके सिखाते हैं। तो दोस्त, यहाँ पे देखिए मेरा बुलंजर बैंड, RSI, वोर्टेक्स, इन तमाम चीज की मदद से हम समझने का कोशिश करते हैं नेक्स्ट डे निफ्टी का क्या सिचुएशन बन रहा है। तो देखिए दोस्त, सीधा सीधा हम बात पे आएंगे और देखेंगे जो यहाँ पे क्या चीज हमारा नजर में फर्स्टली नजर आ रहा है। एक चीज मुझे आज चार्ट ओपन करते ही मुझे नजर आया फर्स्टली, वो अगर आप लोगों को आया है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपसे पहले हम भी देखें वो चीज, क्या चीज बताइए। तो दोस्त, यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा वो चीज है आपको, टक 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 एंड टक टक टक, समझ गए होंगे आप कि कंटिन्यू ए हाई। यहां से देखिए हाई शिफ्टिंग होता जा रहा था, लो शिफ्टिंग होता जा रहा था, और आज क्या कंडीशन हुआ है, हाई भी लो की तरफ शिफ्टिंग हुआ है और लो भी लो की तरफ शिफ्टिंग हुआ है। ओके, ये एक क्लियर चीज है आपके सामने, कोई टेक्निकल नहीं है, कोई यहाँ तुक्काबाजी नहीं है दोस्त। जो आपका आकाश आंखों के सामने मिल रहा है वो हम यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, ठीक है दोस्त। चलिए दोस्त, ये वीडियो अगर आपको सही लग रहा है, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है यहाँ से, तो जरूर प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट्स जरूर लिखिएगा। तो ये हमने यहाँ पे लाइन खींच दिया। ओके, अभी कल के लिए यहाँ से क्या देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे हम यही देख पा रहे हैं कल का जो हाई है वो हाई भी थोड़ा सा शिफ्टिंग हो सकता है नीचे की तरफ, और लो जो की है लो भी थोड़ा सा शिफ्टिंग हो सकता है नीचे की तरफ। यानी कि कल के लिए जो लो लेवल मैं दे रहा हूं वो मैं आपको क्लियर देना चाहूंगा 12,180, नियर अबाउट 12,185। ओके, लगभग यहां तक आपको लो लेवल बन सकता है। कल का जो हाई है वो हाई मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा आपको 12,280 के आसपास तक का हाई बन सकता है, ठीक है दोस्त, ये शायद आपको क्लियर है। आई थिंक टेक्निकल चार्ट के हिसाब से मुझे निफ्टी में ज्यादा देर बिताने का यहाँ पे जरूरत नहीं है। जब चढ़ना होगा तब भी बताऊंगा चढ़ेगा, जब गिरना होगा तब भी बताऊंगा गिरेगा, जब बीच में रहेगा तब भी बताऊंगा बीच में रहेगा। अभी फिलहाल आपको कुछ दिन तक इस रेंज पे, ये मैं रेंज खींच के दे रहा हूं 12,300 से लेके 12,150। दोस्त, यहां से थोड़ा सा और गिर सकता है, नियर अबाउट 12,000 तक भी आ सकता है, ठीक है। फिलहाल आप मानिए कि निफ्टी में एक डाउन ट्रेंड का टाइम आ चुका है। ओके दोस्त, चलिए इसके साथ साथ हम क्या देखते हैं, बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे आज का हाई क्या है, मैं आपको क्या सजेस्ट किया था। देखिए फ्राइडे का सेशन में मैं आपको क्लियर बताया था निफ्टी 12,250 को ब्रेक करेगा तो 12,210 के आसपास एक मुझे सपोर्ट देखने को मिल रहा है। आज क्लियर उसी सपोर्ट को लेकर ऊपर चढ़ा है।
निफ्टी में मैं पिछले दिन क्लियर बताया था, जब 32,500 के आसपास अगर सस्टेन नहीं कर पाता है तो वहां से आपको गिरावट का माहौल दिखने को मिलेगा। और बिल्कुल आज 32,500 के आसपास से गिरावट का माहौल देखने को मिला है। और दिन में दो तीन दोस्त मुझसे पूछे थे क्या लेवल है, मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल पे भी मैं दिखाया हूँ, जो 32,200 का लो यहाँ पे मारेगा, जब 32,340 जब ट्रेड हो रहा था तो उसके बाद बड़ा शानदार 32,196 तक लो मारा है, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। तो टेलीग्राम पे जोड़ना आपको बहुत ही जरूरी है। देखिए दोस्त, मैं कोई पेड सर्विसेज नहीं देता हूँ, पेड कॉल नहीं देता हूँ, तो प्लीज उसके लिए मुझे रिक्वेस्ट नहीं करना, ठीक है। मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को कॉल देता हूँ, वहां से आप प्रॉफिट कीजिए, वहां से अर्न कीजिए, उसके बाद आप टेक्निकल एनालिसिस कोर्स ज्वाइन कीजिए, आप खुद से सीखिए कॉल निकालना, कॉल देखना, निफ्टी का चार्ट समझना। ओके दोस्त, तो ये आप देख गए होंगे जो निफ्टी का लो मैं क्या बताया था और क्या आज हुआ है। इसके साथ हम देखेंगे बैंक निफ्टी का टेक्निकल चार्ट के हिसाब से क्या लेवल निकाल के आ रहा है। तो चलिए बैंक निफ्टी का टेक्निकल चार्ट ओपन करते हैं। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एक रेड डोजी टाइप का कैंडल आज बना है। देखिए पिछले दिन हमने निफ्टी का भी सेम यही इसी तरह का कैंडल देखे थे, ओके। लेकिन निफ्टी में जो अप ट्रेंड बना हुआ था वो अप ट्रेंड खत्म हो चुका है, और बैंक निफ्टी में जो अप ट्रेंड बना हुआ था ये थोड़ा सा अभी टलमटल कर रहा है। अब क्या हो सकता है, अब कल का हिसाब से मेरे हिसाब से जो हो सकता है वो ये हाई शिफ्टिंग होके नीचे आ सकता है, जो कि आपको 32,350 के आसपास, और लो शिफ्टिंग होके आपको कहाँ जा सकता है, 32,000 के आसपास, नियर अबाउट 32,000 के आसपास लो शिफ्टिंग होके जा सकता है। तो इस चीज को हम अगर थोड़ा सा और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे ऑप्शन चेन के माध्यम से। दोस्त यहाँ पे एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, अगर कल बैंक निफ्टी 32,380 के ऊपर जाकर सस्टेंस करे तो अगेन 32,450 के तरफ भी और 500 के नियर अबाउट भी जाने का एक चांसेस बना सकता है, इस चीज को नहीं भूलना। तो फिलहाल सुबह का टाइम से अगर बैंक निफ्टी में ज्यादा स्ट्रांगनेस ना दिखाए तो आपको एक नीचे का लेवल का ही एक्सपेक्टेशन करना चाहिए। तो हम अभी सीधा चलेंगे ऑप्शन चेन और टेक्निकल ऑप्शन चेन के जगह पे एनएससी इंडिया का साइट के माध्यम से। तो दोस्त यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं आज पूरा दिन कौन सी स्टॉक अच्छा परफॉर्मेंस किया है। यहाँ पे देखिए टॉप गेनर का चार्ट देखते हैं, टॉप लूजर का चार्ट देखते हैं, और यहाँ से हम कॉल इंटरडे कॉल प्रोवाइड करने का कोशिश करते हैं, और आपको भी समझाते हैं जो यहाँ से देख के आप इंटरडे कॉल प्रोवाइड कर सकते हैं। आप अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में लॉस कर करके बर्बाद हो चुके हैं तो आप सिर्फ स्टॉक का मूवमेंट को पहचानिए और वहां से छोटा छोटा प्रॉफिट करके दिन में 500 रुपये 1,000 रुपये बड़ा आराम से निकाल के घर जा ले जा सकते हैं। लेकिन आपको अगर रातों रात लाखपति बनना है, करोड़पति बनना है, तो आप बैंक निफ्टी में ही आपको लाखपति या करोड़पति या रोडपति बना सकता है, ठीक है दोस्त। ओके, तो रोडपति बनना है कि करोड़पति बनना है ये आपको ऊपर डिपेंड करेगा। और देखिए यहाँ पे एडवांटेज और डिक्लाइन चीज को मैं ध्यान दिलाता हूँ, तो यहाँ पे दोनों तरफ का पल्ला लगभग बराबर दिखा रहा है, कोई विशेष यहाँ पे चेंजमेंट नहीं है। ओके दोस्त, तो इससे हम कुछ अंदाजा नहीं कर पा रहे जो बैंक निफ्टी या निफ्टी कल किस तरफ का दिशा करेंगे। ओके, तो देखिए दिशा मैं टेक्निकल चार्ट के हिसाब से जो आ रहा था वो मैं आपके साथ शेयर कर दिया हूँ। अभी ऑप्शन चेन के माध्यम से और कुछ क्लियरिटी और कुछ पिक्चर क्लियर आपको नजर में यहाँ से आएगा। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन चेन में हम देख रहे हैं जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस कहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ पे सपोर्ट और रेसिस्टेंस का भी गड़बड़ी है, मतलब यहाँ पे कोई क्लियर सपोर्ट नहीं है, क्लियर रेसिस्टेंस नहीं है। मैं सीधा सीधा लाइन खींचा हूँ 12,250 पे, और मैं रेसिस्टेंस की तरफ लाइन खींचा हूँ 12,300 पे। ओके दोस्त, तो यहाँ पे इतना ही चीज देख पा रहे हैं, थोड़ा सा अच्छा से आपको दिखाने का कोशिश करूंगा ये क्लियरली यहाँ पे कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दोस्तों यहाँ पे जो चीज ठीक ठाक नजर आ रहा है मुझे वो 12,200 की तरफ जाता हुआ, एक चांसेस 12,200 की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है दोस्त। सपोर्ट हालांकि 12,250 पे दिख रहा है, सपोर्ट हालांकि 12,250 पे दिख रहा है, लेकिन ये सपोर्ट कब शिफ्टिंग हो जाएगा जब मैं आपको निफ्टी का चार्ट देख के बताऊं। सुबह अगर 20 25 30 पॉइंट भी आप हो गया है तो इन लोग जो लोग सेल किए हैं ये लोग वहां पे प्रॉफिट ले लेंगे और यहां से निफ्टी को गिरा देगा। ओके, और जो पुट जिन लोग सेल कर रखा है, 6 लाख पुट सेल कॉल सेल कर रखे हैं, इन लोग अपना प्रॉफिट को बरकरार रखेंगे जब तक ना 12,200 जाता है और 12,150 की तरफ जाता है। तो जो निफ्टी का लेवल कल के लिए मिल सकता है वो 12,150 के आसपास की तरफ का एक
लो आपको निफ्टी में मिल सकता है। चलिए इसके साथ साथ हम देखेंगे बैंक निफ्टी का क्या स्थिति बन रहा है। तो ये हम आ रहे हैं अभी बैंक निफ्टी के चार्ट में और यहाँ पे देखने का कोशिश करेंगे कि बैंक निफ्टी का क्या लेवल इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि रेसिस्टेंस थोड़ा सा भारी पड़ रहा है। देखिए आज मैं दोपहर को ही नेगेटिव ट्रेंड का एक मैसेज आप लोगों को दे चुका था। दिल्ली से चांदनी जी और सोनू जी दोनों ने मुझे फोन किए थे, दोनों को मैं क्लियर करके बताया था कि ये लेवल, लेकिन मुझे प्लीज मार्केट आवर्स में ज्यादा फोन मत कीजिए, व्हाट्सएप में मैसेज लिखिए ताकि मैं व्हाट्सएप में ही आपको कुछ ना कुछ रिप्लाई दे दूं। ओके, तो यहाँ पे देखिए रेसिस्टेंस का पल्ला भारी पड़ रहा है और सपोर्ट का पल्ला हल्का पड़ रहा है। तो इस हल्कापन में कहाँ तक जा सकता है, जो मैं टेक्निकल चार्ट से हिसाब से बताया हूँ 32,000 का आसपास का लेवल मुझे देखने को मिल सकता है, मिल रहा है, तो यही मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है दोस्त। ओके, तो यहाँ पे रेसिस्टेंस भारी हो रहा है, सपोर्ट जो हल्का हो रहा है, और सपोर्ट की तरफ मैं कहाँ लाइन खींच दिया हूँ, 32,200 के आसपास। ओके दोस्त, 32,200 के आसपास मैं लाइन खींच दिया हूँ। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का आई थिंक मेरा जो व्यू है वो आप क्लियर समझ गए होंगे जो क्या व्यू है। अगर कोई स्टॉक का बात करें कल के लिए तो मैं आपको यहाँ पे देखिए आज टाइटन, पिछले दिन मैं आपको क्लियर यहाँ पे दिखाया था कि टाइटन में एक मजबूती आ सकता है। आज जो मजबूती आया है जो कि मैं सुबह सुबह आपको कॉल दिया था 1210 पे और 1220 का टारगेट था, जो कि 1225 का हाई तुरंत अगला 10 मिनट के अंदर मार चुका है। जिल में एक पॉजिटिव मूवमेंट आ सकता है, आपको आ सकता है भारतीय एयरटेल में, आपको आ सकता है बीपीसीएल में। बीपीसीएल को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जो बीपीसीएल में एक अच्छा खासा उछाल यहाँ से कल थोड़ा सा, अगर आपको 5-7 मिनट भी अगर शुरू का 5-7 मिनट भी अगर बीपीसीएल में पॉजिटिवनेस दिखाया तो लगातार 15 मिनट आधा घंटा एक घंटा तक एक रॉकेट बन सकता है बीपीसीएल में, ठीक है दोस्त। इस चीज को मत भूलिए, इस चीज को ध्यान में रखिए। बाकी ज्यादा कोई स्टॉक में ध्यान नहीं दिया हूं, तो इन 3-4 स्टॉक के ऊपर आप ध्यान दे सकते हैं, ये एक अच्छा परफॉर्मेंस आपको दिखा सकते हैं। देखिए टाटा मोटर ऐसी कंडीशन बना रहा है, तो थोड़ा टाटा मोटर के बारे में चर्चा करूं मैं यहाँ पे, कि टाटा मोटर ये कंडीशन बना रहा है कि ये शायद एक आध दिन और इस रेंज पे ऊपर बिताए, उसके बाद एक अगेन बड़ा सा उछाल दिखाए, दिखा सकता है, लेकिन उस उछल जब तक ना आए तब तक कोई कॉल पोजीशन, देखिए आप लोग थोड़ा सा सुनते हैं फिर उसके बेस पे एक कुछ ना कुछ पोजीशन बना लेते हैं, ये बड़ा गलत बात है। मैं यहाँ पे बताया हूँ कि टाटा मोटर में शायद एक आध दिन में एक थोड़ा सा मूवमेंट आ सकता है, आने के बाद वो एक लंबा कैंडल एक दिन का वन डे का कैंडल बना सकता है, क्योंकि ये पीछे का डेटा देख के वैसी हो रहा है, वैसी कंडीशन बना रहा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो इसमें एक उछल आ सकता है, वो कुछ डेटा कुछ टेक्निकल चीज है इसके अंदर जिसको देख के हमें पता चलता है कि कौन सी स्टॉक में मोमेंटम आ सकता है, कहां सपोर्ट ले सकता है। ओके दोस्त, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, लेवल अच्छा लग रहा है, परफेक्ट लेवल देता हूं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए हाँ आप परफेक्ट लेवल देता हूं। देखिए आप लोगों के लिए पहले तो हम एक घंटा एनालिसिस करते हैं, फिर आपके लिए 15 मिनट वीडियो बनाते हैं, फिर इसके बाद 15 मिनट और यूट्यूब चैनल का जो सेटिंग्स होता है वो सेटिंग्स करते हैं, तो इतना टाइम आपके लिए बिताते हैं, और आप सिर्फ क्या है 5 मिनट भी वो भी स्क्रिप्ट कर करके वीडियो को देखते हैं, उसके अंदर का निष्कर्ष जो है वो निचोड़ने का कोशिश करते हैं, फिर एक लाइक बटन भी नहीं दबाते हैं और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स भी नहीं लिखते हैं। कुछ भी कमेंट्स लिखिए, बैड, पोर, थैंक्स, वेलकम, एनीथिंग। ओके दोस्त, तो इतना आपको करना एक जवाबदारी बनता है, एक फर्ज बनता है मैं सोचता हूँ। तो दोस्त अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया और फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपका मर्जी है सब्सक्राइब करना ना करना, लेकिन बेल आइकन दबाइएगा सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि मैं जब अलग अलग वीडियो बनाता रहता हूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। मार्केट आवर्स में मैं मार्केट का लाइव कॉल का वीडियो बनाता हूँ, वो भी आपके पास 9:30, 9:50, 11 o'clock तक आपके पास शायद पहुंच जाता होगा, ठीक है दोस्त, इसलिए आपको बेल आइकन दबाना जरूरी है। थैंक यू दोस्त, टाटा बाय बाय।